ये गैंगस्टर के ऊपर फिल्म है और रियलिस्टिक फिल्म है। राजस्थान के एक गैंगस्टर हुआ करते थे भानु प्रताप, उनके ऊपर ही। तो क्या इंस्पायर किया आपको ये फिल्म बनाने के लिए, क्या इंस्पिरेशन था? कुछ एक अलग सी ही कहानी, अलग सी दास्तान है गैंगस्टर के ऊपर। बहुत सारी फिल्में बनी हैं जी, तो मैंने भी सोचा कि एक प्रयास ये भी किया जाए, क्योंकि उनका एक अलग ही रूप था। अच्छा, जिसको मैंने इस फिल्म के माध्यम से दिखाने का सोचा। और जो कास्टिंग की बात करें, एक्टर एक्ट्रेस और जो कलाकार भी, आपने उसका चयन कैसे किया? कुछ सिमिलर टीम, उस करेक्टर के पास तक जो जा सकता है वो मेरे को रूफी में दिखा जी। तो मैंने रूफी को कास्ट किया जी। दीप्ति जो रियल करेक्टर में जो है वो दीप्ति दिखी, तो मैंने इनको लिया। और दोनों बहुत बेहतर एक्टर हैं और इन्होंने राजस्थान में काफ़ी दुख भी झेले हैं गर्मी के जी। बहुत गर्मी में मैंने इन लोगों से शूट करवाया। अभी जो दिख रहे हैं ये वो नहीं थे, वहाँ से बिल्कुल चेंज आए थे। आपसे पूछना चाहता हूं ये फिल्म से कि क्या खास लगा आपको? बेसिकली रियलिस्टिक फिल्म में आपको एक्टिंग करने के बहुत डिफरेंट डिफरेंट मौके मिलते हैं, बहुत शेड्स आपको इसमें मिलते हैं। तो आई थिंक रियलिस्टिक फिल्म में आपको बहुत डिफरेंट शेड्स प्ले करने, और मुझे काफ़ी अच्छी लगी स्टोरी। और उसकी जो गर्लफ्रेंड है उसकी उसका किरदार मैं प्ले कर रही हूँ इसमें बेसिकली, जिसके काफ़ी डिफरेंट शेड्स, लाइक निगेटिव शेड्स भी है, पॉजिटिव शेड्स भी है इसमें। और गुड, आज की शूट के बारे में आज जो सीक्वेंस चल रहा है ये क्या है बेसिकली? ये बेसिकली पूरे फिल्म में चार सॉन्ग्स हैं, उसमें से तीन गाने हम लोगों ने वहीं पे शूट किए हैं कोटा में, और जो और एक गाना है जो पब में है जहाँ हीरो अपने गैंग के साथ आता है और वहाँ ड्रीम सीक्वेंस में वो मुझे फील करता है, तो वो गाना हम लोग यहाँ पे शूट कर रहे हैं आज।